हम लोग आज बिल्कुल ब्रांड वीडियो के साथ और आज आए हुए हैं यूपी जैश। हमारा फ्रेंड रोटेशन नो से लेकर सवर्णी पे जाकर सबको ड्रॉप कर देगा। स्टुपिड को स्टुपिड अपने तीन लॉन्डो के साथ ये लोग कूद चुके हैं और ये लोग जा रहे हैं नोवो और एफियोनी में। और इसी के साथ काफ़ी ज़्यादा टीमें मिल्टा में गई हुई हैं और आरडीएक्स अरमान भी कूद चुके हैं जो कि मिल्टा पर जा रहे हैं। वाइपर सभी को हम लोग देखेंगे, वाइपर टीम जा रही है अनदर साइड जा रही है, प्रिमो सॉल्व जाएंगे ये लोग लगता है। और हमारी कातिल टीम के जस्ट सामने ही पाँच नंबर का बंदा आया हुआ है जो कातिल सीनू आए हुए हैं जो कि अकेले भाई भारी हैं। कातिल सीनू अकेले भारी हैं सबके लिए, लेटा पाते हैं। सामने टीम नंबर पाँच का बंदा, टीम नंबर फाइव का बंदा है हार्टलेस और इनके ऊपर कातिल सीनू ने काफ़ी अच्छा स्प्रे देकर इनको कर दिया अरबियन बंदे ने। और यूपी शायद को ख़त्म कर दिया गया यहाँ पे। लोग देखेंगे निहाल जैक को और एक ही बंदे ने निहाल को ख़त्म कर दिया स्कारल्स के साथ, बहुत सही। वाइपर जॉर्ड को देख लीजिए, वाइपर इरफान मज़े ले रहे हैं। अरमान जो है निकल चुके हैं 0786 और बगी अमली खाई में जा चुकी है। हमारी टीम नंबर 18 और टीम नंबर 25 के बीच काफ़ी ज़्यादा क्लोजिंग हो चुका है और सामने ही M4 और स्कारल पड़ा हुआ है। यानी साहिल पे ठीप ठीपी ले रहे हैं, फैज जो है बिल्कुल छतों पे हैं और दूसरी तरफ से हमारे रेबल्स पार्की भी कूद चुके हैं। तो ये लोग काफ़ी क्लोज कर चुके हैं, क्लोजिंग ले चुके हैं, देखते हैं कहाँ से रोटेशन होता है। ये काफ़ी खूबसूरती वाला नेट कर सकते हैं, अच्छा खासा नेट ये कर सकते थे और बाहर आ गया, बाई चांस बाहर आ गया। और आरडेक्स अरमान जो है काफ़ी ज़्यादा क्लोजिंग कर रहे हैं टीम नंबर 25 के अंदर। और सामने हमारे स्पार्की भैया ने तो घूस के दिया स्पार्की भैया ने और साहिल बहुत ही सही, स्पार्की ने साहिल भी नॉक हो चुके हैं। जॉर्ज ने साहिल को नॉक किया, जॉर्ज बहुत ही सही डाउन हो गए। हमारा 25 नंबर का एक ही बंदा बचा हुआ है जो कि क्लोज में आने की पूरी कोशिश कर रहा है और देखते हैं ये कहां तक जाएंगे, कहां तक नहीं जाएंगे। स्पार्क के एक बंदे को मुक्के से ही गेम नॉक, मुक्के से ही ख़त्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, कोशिश क्या कर दिया खत्म मुक्के से ही। और दूसरी तरफ से टीम नंबर एक के बंदे भी आके भिड़ चुके हैं। डबल फाइव को लोग देखेंगे, डबल फाइकिंग ने जॉर्ज को ख़त्म ही कर दिया। ओ भाई पूरी टीम ख़त्म हो चुकी है, बहुत ही अच्छा स्प्रे और लेवल फाइव भी डाउन हो चुके। सदाब जैक ने काफ़ी अच्छा नॉक किया, इसी तरफ से एनएच स्पार्की ने या स्पार्टा ने डाउन किया था, बहुत ही स्पार्की का बहुत ही अच्छा डाउन। और दो ही बंदे बच्चे एनएच साहिल भी आ चुके हैं, एक ही बंदा बचा हुआ जो कि गाड़ी में बैठा हुआ है। भाई साहब टीम नंबर वन का बंदा अभी भी गाड़ी में बैठा हुआ है, इनको बहन भी नहीं थी गाड़ी में भी एक बंदा और ये कूद चुका है काफ़ी ज़्यादा जोश में और उत्साह में। और स्पार्की ने ठिकाने लगा डाला, कातिल तीनों ने एक तौफीक को मार के ख़त्म कर दिया। आरबीडी काफ़ी अच्छा नेट कुक कर रहे हैं। अफजाल भी काफ़ी अच्छी पोजीशन में है, बिल्कुल जाकिर के पास बिल्कुल आ ही चुके हैं ये, इनके फोर्स टेप भी मिल ही गए। और बहुत ही अच्छा स्प्रे दिया जाकिर के ऊपर, आरबीडी की पोजीशन काफी अच्छी, सीनू ने देख लिया, सीनू कूद चुके, आरबीडी काफी ज्यादा रोटेट कर रहे हैं। अफजाल और जाकिर काफ़ी ज़्यादा क्लोजिंग कर चुके हैं और कार्ल रेबल ने यूपी इविल हंट को गाड़ी से ही कुचल डाला। जाकिर के ऊपर काफ़ी अच्छा नेड आया था,
कादिर से उन्होंने शायद से स्पॉट कर लिया और बहुत ही अच्छा जस्ट बचे हैं अफजाल, जस्ट बचे हैं, बहुत सही। बहुत ही प्यारा नेड आया था बट बच गए। फिर से फॉल बैक, बहुत ही सही जाकिर ने कोशिश की नॉक करने की बट बच गए। आई एम स्टूपिड ने काफ़ी अच्छी पोजीशन अख्तियार की और काफ़ी ज़्यादा अयर ये जाकिर फिर से बाल बाल बचे। भारत आईपीएस ने एम एन अंसारी को नॉक किया। और सेनो काफ़ी अच्छी पोजीशन में, बिल्कुल हम लोग देखेंगे आरबीडी को। और बहुत ही प्यारा नेड आया था भाई, जस्ट इमेजिन ये बचे हैं। और सेनु कूद चुके आरबीडी, फिर से फॉल बैक करने की पूरी कोशिश और आरबीडी डाउन। अफजाल पूरा बैकअप दे रहे हैं। जस्ट ऊपर ही बंदा था यार, तुमने देखा नहीं यार, क्या कर दिया भाई साहब तूने तो। फिर से अफजाल ने काफी अच्छा एक बंदे को नॉक किया अफजाल ने। और एक बंदे को खत्म कर दिया सीनू, जस्ट इमेजिन बचे हुए हैं। अगर अफजाल कूदते हैं तो कुछ ना कुछ हो सकता है। जस्ट बचे हैं भाई साहब। और अफजाल, अफजाल चले गए, स्टूपिड ने अफजाल को खत्म कर दिया। दूसरी तरफ रिबल स्पार्टा ने वाइपर समीर को नॉक किया। एनएच साहिल भी नॉक हो चुके हैं। इस पार्क इरफान को डाउन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। रिबल फायर ने वाइपर सल्लू को नॉक किया और इस पार्किंग ने बहुत ही अच्छा नॉक किया। वाइपर रिफान जी बचे हुए और बहुत ही अच्छा इस पार्के का क्लच हम बिल्कुल देख सकते हैं। बंदे डाउन, बहुत ही अच्छा जैश का डाउन। यूपी जैश ने काफी अच्छा दो लौंडो को डाउन का, देखते हैं यूपी हीरो ही बचे हुए। एस्टन ने स्प्रेट रॉकफोर्ड को नॉक किया, बहुत ही सही स्प्रे दिया बट लगा नहीं लौंडे। और खत्म कर दिया भाई यूपी जैश ने डीएम डीएफएनसी चैंप, बहुत ही प्यारा नॉक हो चुके हैं। ओपी ड्रैक्स ने बहुत ही अच्छा नॉक किया। एनएच साहिल ने एक बंदे को नॉक किया, हम लोग देखेंगे एनएच साहिल को। इसी के साथ इनके ऊपर रश हो चुका है और स्पार्टा ने खत्म कर दिया, लास्ट स्टेज में इनको खत्म कर दिया गया। तो भारत आईपीएस अखिल बोरा से निपट चुके और इन्होंने स्पॉट फिनिश कर दी। भारत आईपीएस आईएसबी ने काफी अच्छा मार दिया यहाँ पे। भारत आईपीएस की यहाँ पे 3 केल्स हो चुकी हैं, वो भी पात्रा और जॉय अभी भी बिल्कुल लड़ते हुए। तो ओपी डाक ने काफी अच्छा नॉक किया, बार बार ओपी डाक नॉक कर रहे हैं। फिर से तगड़ा प्रहार देखने में आया, हमारा जॉय काफी अच्छा मार रहा है। हमारा यूपी जैश जो है बिल्कुल
टीम के पास आके ही रुक गया। देखते हैं क्या होता है, क्या मारते हैं ये, क्या मारते हैं क्या नहीं मारते हैं। जॉय नॉक हो चुके हैं अभी, और डीसी निंजा ने काफ़ी अच्छा, डीसी निंजा ने नॉक किया और ख़त्म कर दिया, और स्पॉट फिनिश करने के पकड़ने के लिए एक ही बंदा बचा हुआ, छोटे बड़े कर बचे हुए हैं, और बहुत ही अच्छा क्लच ओपी डार्क, बिल्कुल जाट और यूपी जैश दोनों ही बचे हुए हैं, उनके ऊपर नेड आ रहा है जाट 85 का, जैश काफ़ी ज़्यादा उत्साही में, और 12 आईपीएस काफ़ी ज़्यादा पुश कर रहा है, और लगता है कि जाट जा सकते थे, और बहुत ही अच्छा नॉक, जैश नॉक हो चुके हैं, 12 आईपीएस ने काफ़ी अच्छा नॉक किया और ख़त्म भी कर दिया, इसी के साथ जाट बचे हुए हैं, बहुत ही प्यारा नॉक, के साथ खत्म भी कर दिया एसबी को, और आईपीएस ने इनको खत्म कर दिया। एसबी निकल मतलब खत्म हो चुके हैं, दूसरी तरफ अखिल द्वारा और सुमित सैनी भी निकल रहे हैं यहाँ से 12 आईपीएस के साथ, टीम नंबर 13 बिल्कुल इन्हीं के पास आ रही है, और ये गाड़ी ठुकी काल लवली कार रेबल की, काल लहाइल तो पहले ही नॉक हो चुके हैं, काल रेबल भी नॉक हो चुके हैं, अखिल द्वारा भी बचे हुए, और भैया जंगलेटर चल रही है, जंगलेटर चल रही है, ठीक है साथ आईपीएस जो है पुश कर रहे हैं शेकर के साथ, ओ भैया मर गए लौंडो, मर गया 10 बंदो, आईपीएस ब्रदर मर गए सब। टीम नंबर 18 ने टीम नंबर 13 को ख़त्म कर दिया, ये टीम नंबर 18 जो है निकल रही है बिल्कुल, और ये डायरेक्ट टीम नंबर 12 से फाइट लेगी, इज गोइंग टू फायरिंग विद टीम नंबर 12, बहुत ही सही, किसी लौंडे ने तो पिन खींची नेड की, और स्पार्किंग ने बहुत ही अच्छी पिन खींची, बट कोई नॉक नहीं, इनका नेड इनके ही पास चला गया, स्पार्किंग के ऊपर से पुश करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं, और स्पार्किंग का एक बहुत ही अच्छा स्प्रे दूसरी साइड अनदर साइड, और इन्हें स्टाइल काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुके हैं, बट इन्हें स्टाइल ने एक बंदे को डाउन कर दिया, और दूसरी तरफ इन्हें स्टाइल भी डाउन हो चुके, और ये ख़त्म भी हो जाएंगे, हाँ ख़त्म कर दिया, मैंने बोला था ख़त्म भी हो जाएंगे, और दूसरी तरफ रेबल स्पार्की आ चुके हैं, बहुत ही सही लौंडा इकट्ठा लौंडा, स्पार्की का खतरनाक स्प्रे पड़ गया भाई, और बहुत सही स्प्रे देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं हमारे, तो रेबल फैस्ट टीम नंबर 10, टीम 6 काफ़ी अच्छा शॉट दे रही है जो कि डार्क के पास है, और ये लोग जोन में जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, अब टीम नंबर 10 पीआईपी जीवित है 12 आईपीएस के साथ, साथ के साथ उनके पास 8WM है भैया आईपीएस के पास, बहुत ही बढ़िया कोशिश आज आईपीएस भाई, और दोनों तरफ एक वन साइड M24 वन साइड AWM, देखते हैं कौन शॉट लेता है बेहतर, बहुत ही प्यारा नॉक 12 आईपीएस ने बहुत ही प्यारा नॉक किया, इसी के साथ क्लोजिंग करने की पूरी कोशिश है इनकी रणनीति है, देखते हैं 12 आईपीएस जो है लेकर निकल चुके हैं 7 किल्स के साथ, और OMG स्प्रेड OMG नूब भी है ऊपर से जीवित, रेबल स्पार्की भी जोन में जा ही चुके हैं, आखिरकार रेबल स्पार्किंग ने सुल्तान शेरा को नॉक कर खत्म कर दिया,
अब आईपीएस का काफ़ी अच्छा स्प्रे, बट जस्ट 10 HP बच गए। ज़्यादातर फायदा हमारी स्पार्की की टीम ले जा सकती है, रेबल टीम। हाँ, रेबल की टीम पूरी तरफ से ले जा सकती है, इनको पीस सकती है अच्छा खासा। और आवारा आईपीएस नॉक हो चुके हैं इस साइड से, निंजा भी नॉक हो चुके हैं, अखिल बोहरा भी नॉक हो चुके हैं। देखते हैं अखिल बोहरा को बचाने की पूरी कोशिश, बट स्पार्की का ना हिलने वाला स्प्रे। ओ दी सिटी निंजा भी बचे हुए, अपने आप को बच गए, अपने आप को हील कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अभी POP डार्क एक्स बचे हुए और फ्रेश जस्ट डाउन हो गए, काफ़ी प्रभावित स्प्रे था। रेबल स्पार्की अपने बंदे को उठा रहे, दूसरी तरफ से स्पार्टा कवर दे रहे हैं और बहुत ही प्यारा डाउन, और स्पार्की ने खत्म कर दिया भाई साहब। दूसरी तरफ से ये लोग जोन में फंस चुके हैं और बहुत ही अच्छा स्प्रे, दो लौंडों को स्प्रे घसीट गए इन लोगों ने। और सुमित सैनी तो प्ले जोन से ही चले गए।